अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरा बाइकर। तो आज के मेरे व्लॉग में मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी लीडर टीवी की सीनियर एंकर एनी फैसल से। तो आज हम उससे कुछ बातें करेंगे जो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से सवाल करते हैं, क्योंकि मैं भी लीडर टीवी में काम करती हूँ। तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर हमारे से पूछते रहते हैं कि आप लीडर टीवी पर इस तरह की स्टोरीज़ करती हैं, एनी फैसल इस तरह की स्टोरीज़ करती हैं। तो आज उनके सारे जवाब जो है ना हम एनी फैसल से खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं एनी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक। तो आज ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आई हूँ। जो लोग बाहर के, मैं जब जाती हूँ किसी भी जगह में, किसी भी मीटिंग में, तो लोग ना मेरे से अक्सर सवाल करते हैं, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आज इनको जवाब आप खुद ही दे दें, ताकि लोग मेरे से सवाल ना करें। अच्छा। ताकि मेरी भी बचत हो जाए। क्या सवाल करते हैं लोग मुझे? कहते हैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ, कहते हैं कि लीडर टीवी पर इस तरह की स्टोरीज हो रही हैं, जो एनी है वो इस तरह की गलत स्टोरियाँ कर रही होती है, गंदगी फैला रही है, इस तरह की। क्या स्टोरियाँ, ऐसी कौन सी स्टोरी है जो मैंने ऐसी गलत की है जिसकी वजह से लोगों को बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं, या उन स्टोरीज का जो रिजल्ट है वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है? कौन सी ऐसी स्टोरी? लास्ट टाइम एक स्टोरी थी आपने किया जिसमें ख्वाजा सराया, जिसमें उसने अपने ऊपर काफी पैसे लगाए अपनी बॉडी बनाने के लिए। तो उस स्टोरीज पे भी काफी लोगों ने इशू उठाया है कि जी एनी ने कौन से वो लोग हैं, ऐसा कौन सा बंदा है जिसने मेरे से उस स्टोरी का नंबर नहीं मांगा, उस ख्वाजा सरा का नंबर नहीं मांगा। ऐसा कोई मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा एंकर या कोई ऐसा, मुझे अब उनके नाम यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन सारों ने चस्का लिया और सारों ने मेरे से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, और सारों ने अपने व्यूज के चक्कर में, सारों ने अपने आप को सामने लाने के लिए या उसको सामने लाने के लिए या उसे मिलने के लिए मेरे से उसका कॉन्टैक्ट मांगा है। और जिस जिसको मैं देना मुनासिब समझती हूँ उसको मैंने उसका कॉन्टैक्ट दे भी दिया है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ही खाली आप लोगों को ये सब कहना चाहिए, आप लोग सारे हमाम में नंगे हैं। सबके यही मसाइल है, सब भी ये करते हैं, अंदर खाते सारे मांगते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, सबको वो स्टोरी भी करनी होती है। किसी की वीडियो चलते हुए बर्दाश्त कोई नहीं करता, सब कहते हैं कि अगर हम लोग करेंगे शायद वो भी चल जाएगी। अल्लाह करे भी सबकी चले, जो जो कोई भी वो स्टोरी करे या कोई भी स्टोरी करे उसको छोड़ के, भाई सबकी चले, हसद और ये चीज़ें मेरे में नहीं है। अल्लाह आप सब लोगों को इज्जत दे। तो उसके अलावा और भी बाकी भी हमारी स्टोरीज पे लोग कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं कि जब भी कहीं बैठो लीडर टीवी, लीडर टीवी, लीडर टीवी ये हो रहा है, लीडर टीवी वो हो रहा है। भाई मैं उनको यही कहती हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं हम लोग वो दिखा रहे हैं, और हम इतना भी गंद नहीं दिखा रहे जो कि उनको लगे क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। इंसान किस चीज़ को डिस्कस करता है जिसमें कोई बात होती है, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग एटलीस्ट डिस्कस तो करते हैं, आप लोग इस काबिल तो समझते हैं कि हाँ भाई ये डिस्कस करने वाली चीज़ है। तो धन्यवाद सर जी सब लोगों को जो जो करते हैं। अच्छा तो मुझे बताएंगे यानी ज़्यादातर ये जो स्टोरीज हम लोग कर रहे हैं क्राइम से हट के जो दूसरी हम स्टोरीज करते हैं, क्या वो करना ठीक है? मतलब कि जिस तरह ये हम जिसमें फरोशी की एक मैंने भी की है, तो इसके अलावा और भी स्टोरीज होती हैं। या देखो तो मतलब लोगों को, मतलब मेरे सवाल करने का मकसद ये है कि लोगों को, ताकि ये बात पहुंच जाए कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो हम गलत नहीं दिखा रहे। हमारा, हमारे करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गलत चीज़, गलत काम हो रहा है। Exactly, और ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन ये जहाँ तक बात है जिसम फरोशी की है, जिस तरह से आपने भी किया और वहाँ पर मामला ख़राब हुए, मैंने आपको भी कहा था कि टीम सारी को लेकर जाओ, अकेले से ना जाओ। तो अब ये लोगों को ना बहुत अवेयरनेस आ गई है, अब बहुत सी खवातीन ऐसी जो अपने घरों से छुप कर ये सब कुछ कर रही हैं, हॉस्टल्स की लड़कियां या जो भी है, वट एवर, जिस तरह से भी वो अपनी अपनी मजबूरियों से कर रही हैं। एग्जैक्ट जिस जगह पर आपके साथ ये हादसा हुआ, मेरे साथ भी एक साल पहले यहाँ पर इसी तरह से कुछ हुआ था। तो खैर मैं भी उस तरह से ही निकल आई जिस तरह से आप निकल आई थी। तो उसके बाद से मैंने इस तरह की खवातीन को इस तरह से पकड़ना छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, ख़ुद को देखना है। अल्लाह ना करे वो औरत के हाथ में वो ताला सा था बाइक का, वो आपको मार देती तो वो बाकी भी हमारे जो एंकर है, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि आपके फेस पर या कोई भी निशान सारी उम्र के लिए पड़ जाए तो वहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी के लिए वो एक है, दूसरों के लिए नहीं है। तो इसलिए इस चक्कर में इतना सा पढ़ो कि आप लोगों की ज़िंदगी पहले अहम है, बाकी चीज़ें बाद में है। अच्छा मेरी ये गलती करने के बाद मैंने ये चीज़ तो सीखी है कि मैंने जब भी जाना है मैंने अकेले नहीं जाना, टीम के साथ जाना है। मैं गई थी, मैंने, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, हम दो लोग, मैं और कैमरा मैन गए हैं। अब उसके बाद हम जब, ये नहीं कि हमारा पीछे हट गया, हमारा पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब मैं जाऊँगी ज़रूर ऐसी किसी जगह पे, कोई हो रहा हो खाऊंगी, एनी को साथ लेके जाऊंगी, अपनी पूरी टीम साथ लेके जाऊंगी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और इनको बता दे। अच्छा, जो रही बात, जो लोग कहते हैं कि जिसम फरोशी वाली आप ये चीजें ना दिखाएं, ये वो, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे कि जी हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर सारे रहे हैं, कर सब रहे हैं, वो सबके सामने नहीं आती है, सबकी उस तरह से चलती नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देती है। किसी ना किसी को कर सब रहे हैं, किसी को रोड पर कोई ख़वातीन इस तरह से नजर आएंगी, किसी को रोड पर ट्रांसजेंडर नजर आएगा, किसी को रोड पर कोई बच्ची, कोई औरत, कोई भी नजर आएगा, सब फौरी तौर पर रोकेंगे, कैमरा निकालेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो चीज़ आपकी जिस तरह हमारे सामने आ जाती है,
कई लोगों की नहीं सामने थी, कर सब रहे हैं, लेकिन जिसके सामने आ जाए उसको फौरी तौर पर आप लोगों ने अपनी तमाम तोपों का रुख उसकी तरफ कर देना होता है। माजरत के साथ मैंने पहले भी कहा है कि मैं चाहती हूँ अल्लाह सारों को इज्जत दे, ये अल्लाह ताला के हाथ में, कोई किसी की इज्जत नहीं ले सकता, जैसे कोई किसी के नसीब का रिस्क नहीं ले सकता वैसे ही कोई किसी के नसीब की इज्जत नहीं ले सकता। तो हर किसी के लिए अच्छा सोचा करें और हर किसी के लिए यही कहा करें कि यार अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, अल्लाह हमें भी इज्जत दे, तो अल्लाह यकीनन इज्जत देता है। अच्छा लास्ट में ये भी बता दें कि लोग कहते हैं कि लिटरेचर टीवी पे जो कंटेंट है वो गलत कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोरीज नहीं सही हो रही। जो यहाँ से जाते हैं ना वही ये कहते हैं कि लिटरेचर टीवी के कंटेंट गंदे थे तो इसलिए छोड़ दिया। और जिस इदारे में आप हो, जो जिस इदारे ने आपको बनाया है और इस काबिल किया कि आज आपको चार बंदे जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इदारा जो भी है, आप जो भी कर रहे हो सारी दुनिया ही कर रही है, कोई आप लोग अनोखा नहीं कर रहे हो और कोई कंटेंट गंदा नहीं है। मैं तो जिस चैनल पर भी देखती हूँ हर तरह का हर चीज़ चल रही है, तो हर कोई यहाँ पर रोजी कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा हुआ कि मुझे नहीं समझ आती है, हर बंदा व्यूज़ के चक्कर में है। व्यूज़ मिलेंगे आपको तो आपके डॉलर आने हैं ना भाई, तो हर बंदा व्यूज़ की यहाँ पर जंग लड़ रहा है, तो ये सब झूठ है कि यहाँ पे कंटेंट गंदा है। हर बंदा हर मुमकिन कोशिश करता है, तो भाई हमारा इदारा, हम अच्छा करें हम बुरा करें हिसाब हम लोगों ने देना है, हमारे साथ किसी ने हिसाब नहीं देना, तो आप लोग हमारी इस मामले में बिल्कुल परेशानी ना लिया करें। अच्छा एनी लास्ट पे एक और सवाल है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये लोग एनी है, ये ज़्यादा स्टोरीज जो है वो प्लांटेड करती है, तो इसके बारे में क्या कहोगी? मेरी स्टोरी मेरी मर्जी मेरी स्टोरी मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी करूं और किसी को क्या मसला है। मैं किसी आप लोगों में से जो भी कोई कहता है, मैं आप लोगों में से तो किसी को करेक्टर नहीं बनाती ना, मैं जो मर्जी करूं मेरी ज़िंदगी है, मुझे कोई पूछने वाला कौन है? मुझसे पूछे, मेरा इदारा पूछे जिसको मैं स्टोरी ला कर दे रही हूँ कि बीबी या तू की करके ले आएंगे, तो मेरे इदारा नहीं पूछ रहे तो थानू की मसला हो रहा है, या तुम मेरी स्टोरी से पैसे दे रहे ने या तुम करैक्टर नू जाके पैसे दे रहे, जो तुम इतना देने इतना लेने इधर वाला कहता है थानू, चिल करो अपने अपने घर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो चले आपके जितने सवालों के जवाब थे वो आप लोगों को मिल चुके हैं, तो उम्मीद है नेक्स्ट लीडर टीवी के लिए कोई बात नहीं करेगा, यानी फैसला के लिए सवाल नहीं करेगा लीडर टीवी के किसी एंकर के बारे में, किसी ने भी कोई बात की मेरे साथ या किसी भी और एंकर के साथ, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, छोड़ेंगे नहीं। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।